पुण्य देना नहीं चाहता था, लेकिन इसका ऊपर में धर्मेंद्र प्रधान जो लास्ट 8 जनवरी को एक मीटिंग हुआ था हमारा जिला में, उस मीटिंग में 2 लाख लोग जमा हुए, उसमें इसका बारे में टिप्पणी दिए, जिस टिप्पणी में एक्चुअली मेरा जो प्रेस्टीज है सम्मान है उसको गिराने के लिए कोशिश किए, उसके चलते मैं एक केस दर्ज किया हूँ हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, जो केस दर्ज किया हूँ उसी हिसाब से पुलिस को इंजेक्शन दिया गया, पुलिस ने भी केस दर्ज किया है जो एसिस्टिव पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन एक्ट का 1989 का प्रोविजन के तहत केस हुआ है जो नॉन पेलेबल ऑफेंस है, और उसी के साथ आईपीसी का पार्टिसिपेशन एक्ट 1989 उसी सब केस हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग में बोले उसी हिसाब से वो प्रेरित होता है कि वो केंद्रीय संस्था को डिसिटिलाइज करके मुझे निरोग करवाए, जिसके चलते मैं 3 साल 8 महीना जेल में रहा, और उसी इतना दिन हमारा मयूरभंज अपना पार्लियामेंट में लोकसभा में इसका कोई रिप्रेजेंट करना। क्या सर ये जो आपके साथ हुआ 2019 के चुनाव आ रहे उसको लेके कुछ ऐसा हुआ? 2019 देखिए हमारा उड़ीसा में बीजेपी संपूर्ण रूप से प्रताप्त हुआ था 2014 इलेक्शन में, तो उसी हिसाब से उनका बीजेपी लोग हमारा जो सरकार है उधर हमारा नवीन सरकार इसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि मैं बीजेडी का एमपी था, उस हिसाब से इस सरकार को बदनाम की कोशिश में ही वो इतना बड़ा कंस्पायरेसी इतना बड़ा मतलब क्या माने ये रचे थे चक्रांत रचे थे, तो उसका असर क्या करेंगे उसका जनता का ऊपर में दे देता हूँ, जनता ही उसको देखेंगे एक्चुअली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। अच्छा सर जैसे अब यहाँ आप जंतर मंतर पे आए हुए हैं तो किस चीज को वो करना चाह रहे हैं आप? जैसे आपने कहा कि आपने केस भी उनपे एक दर्ज किया, उस पर कार्रवाई कब होगी वो तो आने वाला टाइम बताएगा क्या हुआ, तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए कोई साधारण जनता के अगेंस्ट में केस होता तो अभी उसको गिरोह करते पुलिस, गिरोह करके कार्रवाई जो कानून के हिसाब से कार्रवाई लेते हैं, लेकिन क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक प्रभावशाली मंत्री है हम केंद्र सरकार का, उसके चलते अभी पुलिस पीछे हट रहे हैं उसका ऊपर में कार्रवाई लेने के लिए, तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ क्योंकि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी, और धर्मेंद्र प्रधान को भी तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और उसका ऊपर कानूनी कार्रवाई का तहत उसको गिरफ्त करें। पर्सनल दुश्मनी मेरा नहीं है, पर्सनल दुश्मनी मेरा नहीं है, लेकिन जो कोई सपोज मीटिंग में जो जिधर लाखों लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट का जिधर इकट्ठा हुए हैं उधर मेरा पर्सनल प्रेस्टीज और रेपुटेशन को गिराने के लिए जो कोशिश किए हैं अपना पॉलिटिकल पर्पज के चलते, उसी हिसाब से मैं मेरा जो पर्सनल सीबीआई जो है आपको किस किस तरीके से परेशान कर रही है? देखिए एक कंपनी था जिस कंपनी को मैं जेन्युइनली क्योंकि वो मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी रजिस्टर्ड था, कोई मुझे अप्रोच किया जॉब कि आप थोड़ा प्रमोटर रहिए और पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मैं भी सही कंपनी सच के ही उधर मेरा जितना भी एरियर्स हमारा इधर प्रेस नोट में दिया हूँ, जितना भी हमारा एरियर्स के रूप में 10 लाख जो मिला था मुझे MLA उसी टाइम था उसको मैं इन्वेस्ट किया, लेकिन मेरा इंटेंशन मेंस दिया वही क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करके करने के लिए मेंस दिया होता है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसको ठगने के लिए, अभी जब देखा कि वो कंपनी का जो CMD ऐसे मिसयूटिलाइज करके कंपनी को ठग रहा है तो उसी टाइम में रेजोल्यूशन भी दे दिया था, तभी मेरा कोई मकसद नहीं था सीबीआई ने उसको जो पेपर को बहुत सारे कहीं ना कहीं सर आपकी छवि को खराब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? वही मेरा छवि को सीबीआई को यूटिलाइज करके मेरा छवि को जो कोशिश किया गया था मेरा छवि को नीचे उतारने का उसका विरोध में भी आज का संग्राम। ओके सर